अध्याय 10 मौर्यों के बाद का भारत शुंग और कुषाण वंश। पुष्यमित्र शुंग ने बौद्धों का दमन इसलिए किया कि संघ राजनीतिक शक्ति के केंद्र बन गए थे, इसलिए नहीं कि ये ऐसे धर्म को मानते थे जिसमें ये विश्वास नहीं करता था। ईबी हेविल। कनिष्क का भारत के कुषाण सम्राटों में निस्संदेह सबसे आकर्षक व्यक्तित्व है। वो एक महान विजेता और बौद्ध धर्म का आश्रयदाता था। उसमें चंद्रगुप्त की सामरिक योग्यता और अशोक के धार्मिक उत्साह का समन्वय था। डॉक्टर रमाशंकर त्रिपाठी। पुष्यमित्र का स्मरणीय अश्वमेध यज्ञ ब्राह्मण धर्म के उस पुनरुत्थान की ओर इंगित करता है जो 5 शताब्दियों के बाद समुद्रगुप्त और उसके वंशजों के समय में उभरा। ब्राह्मण धर्म के पुनरुत्थान के साथ ही शुंगों ने देश में धर्म की ज्योति जलाकर वो राष्ट्रीय भावना उत्पन्न की जिससे कि उत्तरी भारत की रक्षा यवन आक्रमणकारियों से हो सकी। डॉक्टर वी ए स्मिथ। दीर्घोत्तरीय प्रश्न। प्रश्न संख्या 1। पुष्यमित्र शुंग के चरित्र तथा कार्यों का वर्णन करते हुए शुंगकालीन धर्म कला तथा साहित्य पर प्रकाश डालिए अथवा पुष्यमित्र शुंग की उपलब्धियों पर प्रकाश डालिए अथवा पुष्यमित्र शुंग कौन था उसकी उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। 2007 के एच। उत्तर। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ को मारकर पुष्यमित्र शुंग ने जो राजनीतिक क्रांति की उसे प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल ने निस्वार्थ देश प्रेम का कार्य कहा है। जायसवाल महोदय के कथनानुसार पुष्यमित्र शुंग संक्रांति के काल में देश को कमजोर मौर्य शासकों से मुक्त कराना चाहता था, जिस समय देश की पश्चिमोत्तर सीमा पर यवन आक्रमणकारी भारत की स्वतंत्रता और संस्कृति को क्षति पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। कुछ इतिहासकारों का विचार है कि डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल का यह अनुमान मात्र है और इसे सही या गलत सिद्ध करने के लिए कोई असंदिग्ध प्रमाण हमारे पास नहीं है। शुंग वंश का परिचय। मौर्य वंश के अंतिम सम्राट बृहद्रथ की हत्या करके उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 184 ईसा पूर्व में एक नवीन राजवंश की स्थापना की। उसे सेना तथा प्रजा का पूरा समर्थन प्राप्त था, इसीलिए बृहद्रथ के मारे जाने पर राज्य में कोई अशांति नहीं हुई। पुष्यमित्र अनुभवी एवं वीर सेनापति के साथ साथ चतुर राजनीतिज्ञ और कुशल शासक था। उसने 148 ईसा पूर्व तक शासन किया। शुंग कौन थे? हरप्रसाद शास्त्री शुंगों को पारसी मानते हैं। दिव्यावदान में इन्हें मौर्य कहा गया है। मालविका अग्निमित्र में शुंगों को ब्राह्मण बताया गया है। तारानाथ और कीत भी उन्हें ब्राह्मण ही बताते हैं। डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल ने पुष्यमित्र शुंग को मौर्य राजकुल के पुरोहित का पुत्र और राज्य का सेनापति बताया है। वो विदिशा नामक स्थान का रहने वाला था। विदर्भ के साथ पुष्यमित्र की सफलता। पुष्यमित्र के पुत्र अग्निमित्र और विदर्भ के राजा के साथ जो संघर्ष हुआ उसका विवरण हमें महाकवि कालिदास के प्रसिद्ध नाटक मालविका अग्निमित्रम से प्राप्त होता है। पृष्ठ संख्या 98। उस समय वहां का राजा यज्ञसेन था। मौर्य साम्राज्य के पतन से उत्पन्न अव्यवस्था से लाभ उठाकर विदर्भ अर्थात यज्ञसेन स्वतंत्र हो गया था। अग्निमित्र ने कूटनीति के द्वारा यज्ञसेन के चचेरे भाई माधवसेन को अपनी ओर मिला लिया। जब यज्ञसेन को माधवसेन के विश्वासघात की सूचना हुई तो उसे बाध्य होकर अग्निमित्र से संधि करनी पड़ी। फलस्वरूप विदर्भ 2 भागों में विभाजित कर दिया गया। एक भाग पर यज्ञसेन का और दूसरे भाग पर माधवसेन का अधिकार स्थापित हुआ। दोनों पुष्यमित्र शुंग के अधीन शासन करने लगे। यवनों का आक्रमण। पुष्यमित्र शुंग के समय में यवनों ने पूरी तैयारी के साथ भारत पर आक्रमण किया। इस आक्रमण का विवरण हमें पतंजलि के महाभाष्य एवं गार्गी संहिता के द्वारा मिलता है। पतंजलि ने लिखा है कि यवनों ने साकेत और माध्यमिका को घेरा। गार्गी संहिता से पता चलता है कि साकेत मथुरा और पांचाल को रौंदने के बाद यवन लोग पाटलिपुत्र तक पहुंच गए, परंतु वे पराजित हुए और उन्हें वापस लौट जाना पड़ा। मालविका अग्निमित्र में एक यवन सेना की वसुमित्र अर्थात पुष्यमित्र का पौत्र द्वारा सिंधु तट पर पराजय का उल्लेख किया। यवन आक्रमणकारियों की असफलता पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल की एक महत्वपूर्ण घटना थी। पुष्यमित्र का राज्य विस्तार। पुष्यमित्र ने मगध के जिस राज्य पर अधिकार किया था उसकी सीमा अधिक विस्तृत न थी। अयोध्या के अभिलेख से प्रमाणित होता है कि यह प्रदेश पुष्यमित्र के अधिकार में था। कुछ आधुनिक खोजों से यह भी पता चलता है कि उत्तरी बंगाल भी उसके अधीन था। मालविका अग्निमित्रम के अनुसार पुष्यमित्र के साम्राज्य में विदिशा और नर्मदा तक के दक्षिणी प्रांत भी सम्मिलित थे। श्री तारा नारायण के प्रमाण से जालंधर और शाकल अर्थात सियालकोट का भी उसके साम्राज्य में सम्मिलित होना सिद्ध है। इस प्रकार उसके साम्राज्य में विस्तृत भूभाग सम्मिलित थे। अश्वमेध यज्ञ। पुष्यमित्र ब्राह्मण धर्म का कट्टर अनुयायी था। उसके समय में ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान हुआ और उसने अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया। उसके द्वारा अश्वमेध यज्ञ किए जाने का प्रमाण हमें पतंजलि के महाभाष्य मालविकाग्निमित्रम और अयोध्या के अभिलेख से मिलता है। अयोध्या के अभिलेख में लिखा है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किए। पुष्यमित्र और बौद्ध धर्म। पुष्यमित्र ने ब्राह्मण धर्म के पुनरुत्थान का जो प्रयत्न किया उससे बौद्ध लोग अवश्य ही असंतुष्ट हुए होंगे। शुंग काल में सांची के स्तूप के भव्य तोरण द्वार का निर्माण हुआ। इन प्रमाणों से साहित्यिक साक्ष्य की पुष्टि नहीं होती।
पुष्यमित्र को बौद्ध धर्म का विरोधी कहना उचित नहीं है। सुविख्यात अंग्रेज विद्वान ई बी हेवेल ने इस संबंध में लिखा है कि पुष्यमित्र शुंग ने बौद्धों का दमन इसलिए किया कि संघ राजनीतिक शक्ति के केंद्र बन गए थे, इसलिए नहीं कि ये ऐसे धर्म को मानते थे जिसमें वो विश्वास नहीं करता था। पुष्यमित्र के उत्तराधिकारी पुष्यमित्र की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र अग्निमित्र शासक बना और उसने केवल 8 वर्ष तक राज्य किया। उसके बाद इस वंश में 8 अन्य शासक हुए जिन्होंने 73 ईसा पूर्व तक शासन किया। देवभूति नामक अंतिम शुंग शासक की हत्या करके उसके मंत्री वासुदेव ने गद्दी हस्तगत कर ली। वासुदेव ने मगध पर कण्व वंश का शासन स्थापित किया। शुंग काल की संस्कृति पुष्यमित्र शुंग के समय में भारतीय संस्कृति की बहुत उन्नति हुई। नंबर 1 ब्राह्मण धर्म की उन्नति। शुंगों के शासनकाल में ब्राह्मण धर्म की उन्नति हुई। पुष्यमित्र ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ करके सनातन धर्म की मर्यादा को पुनः प्रतिस्थापित किया। शुंग वंश के शासनकाल में ही प्रसिद्ध पुस्तक मनुस्मृति की रचना हुई। इस पुस्तक में हम ब्राह्मण आदर्शों को समाज में पुनः पूर्ण रूप से प्रचलित करने का प्रयास सुस्पष्ट देखते हैं। देश में भागवत धर्म का प्रचार बढ़ रहा था। ब्राह्मण धर्म की विधानता होने पर भी शुंग काल में धार्मिक उदारता का अभाव न था। पृष्ठ संख्या 99। नंबर 2 साहित्य की उन्नति। शुंगों के शासनकाल में कला और साहित्य का भी पर्याप्त विकास हुआ। साहित्य जगत में पतंजलि का महाभाष्य और मनुस्मृति इस काल की प्रसिद्ध साहित्य कृतियां हैं। ये संभव है कि इस समय अन्य कई साहित्यकार भी हुए होंगे जिनके नाम और ग्रंथ काल में खो गए हैं। इस काल में संस्कृत को राजभाषा बना दिया गया। नंबर 3 कला की उन्नति। कला के क्षेत्र में शुंग काल का महत्व विशेष रूप से उल्लेखनीय है। सांचे के भव्य तोरण का निर्माण विदिशा के गजदंत शिल्पियों ने इसी समय किया था। इस काल में भारतीय वास्तुकला के इतिहास में एक नए अध्याय का प्रारंभ हुआ। काठ के स्थान पर पत्थर का प्रयोग किया जाने लगा। बरहुत का प्रसिद्ध स्तूप शुंग काल की कला का सुंदर नमूना है। इस स्तूप की कला द्वारा उस समय के जीवन के बारे में काफी ज्ञान प्राप्त होता है। इस समय की कला को सूचित करने के लिए अन्य वस्तुएं भी हैं जिनमें बेसनगर का गरुण स्तंभ उल्लेखनीय है। उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाओं में इस काल के कुछ अति प्रसिद्ध जैन स्मारक सुरक्षित हैं। शुंग काल का महत्व। पुष्यमित्र शुंग और उसके उत्तराधिकारियों ने ब्राह्मण धर्म की उन्नति के लिए जो प्रयास किया उसके संबंध में K.M. मुंशी ने लिखा है, पुष्यमित्र और उसके उत्तराधिकारियों ने अशोक के पूर्ववर्ती मगध की परंपरा को बढ़ाया। धर्म विजय की अभिप्राप्ति का साधन युद्ध में घृणा नहीं अपितु सैन्य संगठन का निर्माण समझा गया। राजनीति का रूप यथार्थ हो गया। शुंगों ने उत्तर भारत के विशाल भूभाग पर अपना अधिकार जमाया। यवन आक्रमणकारियों को पराजित किया और विदेशी राजाओं से सम्मान प्राप्त किया। उन्होंने कला साहित्य और वास्तु के पुनरावर्तन को पोषित किया। प्रश्न संख्या 2 कनिष्क की विजयों एवं उसके द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु किए गए कार्यों का वर्णन कीजिए 2002 UB, 2005 IX। अथवा कुषाण कौन थे, कनिष्क प्रथम के शासनकाल तक उनके राजनीतिक शक्ति के उत्कर्ष को रेखांकित कीजिए 2001, 2002 BBO, 2005 JB, 2006 HP, HR। अथवा कनिष्क की प्रसिद्धि उसकी विजयों पर आधारित न होकर उसके द्वारा कला और धर्म को संरक्षण देने पर निर्भर है, विवेचना कीजिए 2000, 2002 TW, 2006 HS। अथवा कनिष्क को द्वितीय अशोक कहा जाता है, इस कथन की समीक्षा कीजिए। अथवा कनिष्क बौद्ध धर्म का संरक्षक था, इस कथन की विवेचना कीजिए 2001। अथवा कनिष्क एक महान विजेता और बौद्ध धर्म का संरक्षक था, इस कथन की विवेचना कीजिए 2003 KJ, 2008 IW। अथवा कनिष्क प्रथम की सैनिक एवं सांस्कृतिक उपलब्धियों की विवेचना कीजिए 2002 TV, 2004 MG, 2005 IY। अथवा कनिष्क प्रथम की उपलब्धियों पर प्रकाश डालिए 2003 KH, KI, 2004 MH, MJ, MI, 2005 IV, JA, 2006 HQ, 2007 KI, 2011 IJ। अथवा बौद्ध धर्म के संरक्षक के रूप में कनिष्क का मूल्यांकन कीजिए 2010 II, 2011 IE। अथवा कुषाण कौन थे, कनिष्क प्रथम की उपलब्धियों पर प्रकाश डालिए 2009 ME, 2011 IK। अथवा कनिष्क एक योग्य प्रशासक एवं बौद्ध धर्म का संरक्षक था, तर्क सम्मत विवेचना कीजिए 2011 II। अथवा धर्म कला एवं साहित्य के क्षेत्र में कनिष्क प्रथम के योगदानों का मूल्यांकन कीजिए 2011 II। उत्तर भूमिका। यद्यपि कुषाण लोग विदेशी थे तथापि कालांतर में वे न केवल भारतीय जीवन और संस्कृति में घुल मिल गए वरन इसकी उन्नति के लिए उन्होंने महत्वपूर्ण प्रयत्न भी किए। डॉ राय चौधरी ने लिखा है, कुषाण युग महती साहित्यिक क्रियाशीलता का युग था। इसका प्रमाण हमें अश्वघोष, नागार्जुन तथा अन्य विद्वानों की कृतियों से प्राप्त होता है। कुषाण वंश ने भारतीय सभ्यता के प्रसार के लिए मध्य और पूर्वी एशिया का द्वार खोल दिया। पृष्ठ संख्या 100 कुषाण वंश तथा जाति।
कुषाण लोग युची कबीले की शेख शाखा से संबंधित थे। ये लोग उत्तरी पश्चिमी चीन में रहते थे। 165 ईसा पूर्व के लगभग मध्य एशिया की एक जाति जो संभवतः हूर थी ने उसके ऊपर आक्रमण कर दिया और उन्हें चीन से निकाल दिया। वहां से हटाए जाने पर युची शाखा के लोग शको द्वारा अधिकृत प्रदेश में पहुंच गए, किंतु यहां भी ये लोग अधिक दिनों तक टिक न सके और बैक्ट्रिया में चले आए। यहां पर वे 5 कबीलों में विभक्त हो गए। कुषाण लोग इन कबीलों में से एक थे जिनका नेता कुजुल कडफिसस था। कुषाण जाति का प्रथम राजा कुजुल कडफिसस था। इसने कुषाण के अलावा अन्य 4 कबीलों को भी एक शासन के अंतर्गत संगठित किया। इसके बाद शासन की बागडोर विम कडफिसस के हाथ में आई। उसने अपने राज्य का और भी अधिक विस्तार किया। कनिष्क उसका उत्तराधिकारी था, परंतु यह निश्चित नहीं है कि कनिष्क से उसका क्या संबंध था। कनिष्क 78 ईस्वी से 123 ईस्वी। कनिष्क निसंदेह कुषाण वंश का महानतम शासक था। प्राचीन भारत के इतिहास में कनिष्क का शासनकाल कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। उसके राज सिंहासन पर आसीन होने की तिथि के बारे में विद्वानों में मतभेद है। अधिकांश विद्वान इस बात को स्वीकार करते हैं कि वो विम कटफिसस की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठा। उसकी गद्दी पर बैठने की तिथि 78 ईस्वी मानी जाती है। कनिष्क की विजय। कनिष्क एक महत्वाकांक्षी शासक था। वो अपने पूर्वजों से प्राप्त छोटे राज्य से संतुष्ट न था, अतः उसने सिंहासन पर बैठते ही युद्धों द्वारा साम्राज्य विस्तार किया। सर्वप्रथम उसने कश्मीर को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाया। राजतरंगिणी के अनुसार कनिष्क ने कश्मीर को जीतकर वहां पर कनिष्कपुरम नामक नगर बसाया। फिर वो पूर्व की ओर बढ़ा और साकेत तथा पाटलिपुत्र तक पहुंच गया। विद्वानों का विचार है कि इस विजय के परिणाम स्वरूप वाराणसी तक के प्रदेश उसके अधिकार में आ गए थे। कहा जाता है कि पाटलिपुत्र से वो प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक अश्वघोष को अपने साथ ले आया था। पंजाब और मथुरा के शक क्षत्रपों को भी उसने पराजित किया था। भारत के बाहर उसने पार्थिया के राजा को युद्ध में परास्त किया। चीनियों से भी उसका युद्ध हुआ। इस समय चीन का सेनापति पान चाओ था, जो बड़ा वीर एवं युद्ध कला में निपुण था। पहली बार तो कनिष्क चीनी सेना से हार गया, परंतु उसने अवसर देखकर चीन पर फिर आक्रमण कर दिया और अपनी पराजय का बदला ले लिया। काशगर, खोतान एवं यारकंद प्रांतों को उसने अपने साम्राज्य में मिला लिया और अपनी पराजय का बदला ले लिया। इन विजयों के परिणाम स्वरूप कनिष्क का साम्राज्य काफी विस्तृत हो गया। साम्राज्य विस्तार। कनिष्क का साम्राज्य भारत में पूर्व में वाराणसी से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान और दक्षिण में उज्जैन तक था। भारत के बाहर अफगानिस्तान, यारकंद, बैक्ट्रिया, खोतान और काशनगर आदि भूभाग उसके साम्राज्य में सम्मिलित थे। वो पहला विदेशी था जिसने भारत के इतने बड़े भाग को अपने अधिकार में कर लिया। इस विस्तृत साम्राज्य की राजधानी पुरुषपुर आधुनिक पेशावर थी। शासन व्यवस्था। कनिष्क की शासन व्यवस्था के बारे में हमारा ज्ञान अत्यंत सीमित है। विद्वानों का विचार है कि कनिष्क ने अपने साम्राज्य को अनेक प्रांतों में बांट दिया था और प्रांतों का शासन क्षत्रपों द्वारा चलाया जाता था। कनिष्क और बौद्ध धर्म। कनिष्क बौद्ध धर्म का अनुयायी था। कनिष्क अशोक के समान बौद्ध धर्म को स्वीकार करने के पूर्व बड़ा निर्दयी और कठोर शासक था, किंतु इसके बाद उसने अशोक के समान ही इसका परित्याग कर दिया और अपना अधिकांश समय बौद्ध धर्म के प्रचारार्थ लगाया। इसी कारण कुछ इतिहासकार उसको अशोक द्वितीय के नाम से भी संबोधित करते हैं। पृष्ठ संख्या 101। उसने बौद्ध धर्म के प्रचारार्थ अनेक कार्य किए। उसकी धार्मिक नीति बहुत उदार थी। वैदिक प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप बौद्ध धर्म पतन की ओर अग्रसर हो रहा था, अतः समयानुसार प्राचीन ग्रंथों की टीका एवं भाष्य का होना आवश्यक था। इसी उद्देश्य से उसने कश्मीर में कुंडलवन नामक स्थान पर बौद्ध धर्म के अनुयायियों की एक विशाल सभा चतुर्थ बौद्ध संहिता का आयोजन किया। इस सभा ने त्रिपिटक के प्रामाणिक भाष्य की रचना की। इनको कनिष्क ने ताम्रपत्रों पर अंकित करवाया और पत्थर के संदूकों में बंद कर उन पर स्तूपों का निर्माण करवाया। इन कार्यों के अतिरिक्त कनिष्क ने अशोक महान के समान धर्म प्रचार का कार्य करना आरंभ किया। उसने अपने समस्त साम्राज्य तथा उसके निकटवर्ती प्रदेशों में बौद्ध धर्म का प्रचार किया। उसके प्रयत्नों के फलस्वरूप बौद्ध धर्म चीन, जापान, तिब्बत तथा मध्य एशिया के कई देशों में फैल गया। वो स्वयं महायान संप्रदाय का अनुयायी था और इसी कारण उसके समय में इस संप्रदाय ने विशेष उन्नति की। डॉक्टर राय चौधरी महोदय ने कहा है कि कनिष्क का यश विजयों पर उतना अधिक अवलंबित नहीं है जितना कि शाक्य मुनि के धर्म को राजाश्रय प्रदान करने पर है। स्मिथ के शब्दों में कुषाण सम्राटों में केवल यही एक ऐसा नाम छोड़ गया है जो भारत की सीमाओं के सुदूर बाहर भी विस्तृत था और जिसकी समता के लिए लोग लालायित रहते आए हैं। कनिष्क के समय में सांस्कृतिक प्रगति। कनिष्क का शासनकाल सांस्कृतिक उन्नति की दृष्टि से विशेष महत्वपूर्ण है। इस युग में कश्यप मातंग नामक प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान चीन गए, जहां उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार किया और संस्कृत ग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद किया। इसके अतिरिक्त महायान मत के उदय, गांधार कला आदि दृष्टियों से भारत के सांस्कृतिक इतिहास में कुषाण काल का विशेष महत्व है। नंबर 1, चौथा बौद्ध सम्मेलन। चौथे बौद्ध सम्मेलन का आयोजन कनिष्क के समय की एक महत्वपूर्ण घटना है। सम्मेलन की बैठकें कश्मीर के कुंडलवन विहार में हुई, जिनमें भारत के 500 प्रमुख भिक्षुओं ने भाग लिया था।
बौद्ध भिक्षु वसुमित्र इस सभा के सभापति थे और अश्वघोष इसके उप सभापति थे। इस सभा के आयोजन का मुख्य उद्देश्य बौद्ध धर्म में उत्पन्न मतभेद को दूर करना था। इस सभा में बौद्ध धार्मिक ग्रंथों पर टीकाएं लिखी गई और त्रिपिटकों के अलिखित अंशों को लेखबद्ध किया गया। परिणामतः बौद्ध धर्म की एक नई शाखा का जन्म हुआ जो महायान के नाम से प्रसिद्ध है। बौद्ध मत दो मुख्य शाखाओं में विभाजित हो गया, हीनयान व महायान। नंबर दो, बौद्ध धर्म की उन्नति। कनिष्क बौद्ध धर्म का महान संरक्षक था। बौद्ध धर्म का प्रचार मध्य एशिया में उसी के प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप हुआ। बौद्ध धर्म के साथ भारतीय संस्कृति भी इन क्षेत्रों में फैल गई। इसी समय यह धर्म चीन में गया। नंबर तीन, साहित्य की उन्नति। डॉक्टर रायचौधरी ने लिखा है कि वो युग महती साहित्य क्रियाशीलता का युग था। इस समय केवल विशुद्ध साहित्य ग्रंथों की रचना ही नहीं हुई अपितु दर्शन शास्त्र तथा चिकित्सा विज्ञान पर भी ग्रंथ लिखे गए। अश्वघोष, नागार्जुन, वसुमित्र, संघरक्ष और चरक इस युग की साहित्य क्रियाशीलता के विभिन्न रूपों को अभिव्यक्त करते हैं। श्री जी बी सेलिनसन ने लिखा है कि साहित्य के अभिनव स्वरूप प्रकाश में आते हैं, नाटक तथा महाकाव्य अपना रूप दिखलाते हैं और साहित्यिक संस्कृत का विकास होता है। अश्वघोष उस समय का महान कवि, नाटककार, दार्शनिक एवं संगीतज्ञ था। उसने बुद्धचरित नामक महाकाव्य और सौंदरानंद काव्य तथा सारिपुत्र प्रकरण नाम के नाटक कनिष्क के युग में लिखे। नागार्जुन ने अपने दार्शनिक ग्रंथों की रचना कुषाण युग में ही की। इसने महायान शाखा की स्थापना के लिए बड़ा प्रयत्न किया। वसुमित्र कनिष्क का समकालीन बौद्ध विद्वान था। महाविभाषास्त्र की रचना का श्रेय उसी को दिया जाता है। इसे बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। चरक संहिता नामक प्रसिद्ध आयुर्वेद ग्रंथ का प्रणेता चरक संभवतः कनिष्क का राज वैद्य था। पृष्ठ संख्या 102। इस पृष्ठ पर कनिष्क कालीन भारत का मानचित्र दिया गया है। नंबर चार, कला की उन्नति। कनिष्क के समय कला के क्षेत्र में भी विशेष प्रगति हुई। उसने भवन निर्माण कला को भी प्रोत्साहित किया। बौद्ध धर्म के प्रचारार्थ उसने बहुत से स्तूप, चैत्य और विहारों का निर्माण करवाया। भारतीय कला पर सर्वप्रथम इसी काल में विदेशी कला का विशेष रूप से प्रभाव पड़ा और दोनों कलाओं के सम्मिश्रण से गांधार शैली का जन्म हुआ। इस शैली में जो मूर्तियां बनी हैं उनमें भाव भारतीय हैं, परंतु वेशभूषा यूनानी है, इसलिए इसे इंडो ग्रीक शैली भी कहा जाता है। इस शैली में महात्मा बुद्ध की मूर्तियां भारी संख्या में निर्मित की गई जो मूर्तिकला के उत्कृष्ट नमूने हैं। कनिष्क को नगर निर्माण का विशेष चाव था। उसने तक्षशिला के समीप एक महान नगर की स्थापना की जिसके अवशेष हाल ही में प्राप्त हुए हैं। कश्मीर में उसने कनिष्कपुर नामक नगर की स्थापना की। पुरुषपुर में उसने महात्मा बुद्ध के अवशेषों पर 400 फीट ऊंचा एक सुंदर बुर्ज बनवाया जो वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण था। पृष्ठ संख्या 103। प्रश्न संख्या 3, कनिष्क का चरित्र एवं उसके कार्यों का मूल्यांकन कीजिए। उत्तर, नंबर 1, महान विजेता तथा साम्राज्य निर्माता। कनिष्क बड़ा वीर, साहसी और प्रतिभाशाली शासक था। वो एक कुशल सैनिक एवं योग्य शासक था। उसने कश्मीर, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश तथा मगध के राज्यों के दर्पों को चूर्ण किया और उनको अपने साम्राज्य में सम्मिलित किया। उसने पार्थिया के राजा को युद्ध में परास्त किया और चीन के सम्राट को पराजित किया। इन भीषण संग्रामों में उसने अपनी वीरता, उत्साह एवं सैनिक शक्ति तथा योग्यता का पूर्ण परिचय दिया। उसका साम्राज्य अफगानिस्तान, बैक्ट्रिया, काशकर, खोतान और यारकंद तक विस्तृत था। इस प्रकार एक महान विजेता के रूप में उसकी गणना महान शासकों में की जाती है। नंबर 2, साहित्य और कला का प्रेमी। उसने साहित्य और कला की उन्नति के लिए विशेष प्रयत्न किया। वो विद्वानों का आदर करता था और उनको अपने राज दरबार में आश्रय देता था। उसकी राज्यसभा में चरक, वसुमित्र, अश्वघोष, नागार्जुन और पार्श्व आदि विख्यात विद्वान रहते थे। कनिष्क कला अनुरागी और एक महान निर्माता भी था। उसने अपने साम्राज्य में स्थान स्थान पर स्तूपों और विहारों का निर्माण कराया। उसने महात्मा बुद्ध की मूर्तियां और नए नगरों की स्थापना की। नंबर 3, बौद्ध होते हुए भी धार्मिक दृष्टि से उदार शासक। कनिष्क की धार्मिक नीति बहुत उदार थी। वो अन्य सभी धर्मों को भी आदर एवं श्रद्धा की दृष्टि से देखता था। बौद्ध धर्म का अनुयायी होते हुए भी वो अन्य धर्मों के देवताओं की उपासना करता था। उसके साम्राज्य के अंतर्गत विभिन्न धर्मों के अनुयायी निवास करते थे। सबको धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त थी। राज्य की ओर से उनके धार्मिक कृत्यों में किसी प्रकार की बाधा उपस्थित नहीं की जाती थी। सम्राट कनिष्क के शासनकाल की मुद्राएं इस बात को सिद्ध करती हैं कि वो बौद्ध धर्म के साथ यूनानी, ईरानी तथा ब्राह्मण धर्म का भी सम्मान करता था। नंबर 4, योग्य शासक। वो एक योग्य शासक तथा प्रबंधक भी था। उसने दृढ़ शासन व्यवस्था की स्थापना की। वो अपराधियों तथा अपने विरोधियों के साथ किसी प्रकार की दया का प्रदर्शन नहीं करता था। उसके काल में व्यापार ने विशेष उन्नति की जिससे जनता की आर्थिक स्थिति उन्नत हुई। निष्कर्ष, उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि कनिष्क का शासनकाल भारतीय इतिहास के अत्यंत महत्वपूर्ण युगों में है। गांधार कला और महायान धर्म के संबंध में उसका नाम स्मरणीय रहेगा। रॉलिंसन के शब्दों में, कुषाण युग भारतीय संस्कृति के इतिहास में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। डॉक्टर रमाशंकर त्रिपाठी के शब्दों में,
निसंदेह भारत के कुषाण सम्राटों में कनिष्क का व्यक्तित्व सबसे अधिक आकर्षक है। वो एक महान विजेता और बौद्ध धर्म का आश्रयदाता था। उसमें चंद्रगुप्त मौर्य की सामरिक योग्यता और अशोक के धार्मिक उत्साह का समन्वय था। प्रश्न संख्या 4, कुषाणकालीन संस्कृति का वर्णन कीजिए। 2011 IH उत्तर कुषाणकालीन संस्कृति। नंबर 1, धर्म महायान। इसी समय बौद्ध धर्म में एक बड़ा परिवर्तन हो रहा था, जिसका कारण कनिष्कना था। पहले से ही बौद्ध मत में अनेक संप्रदाय हो चुके थे, परंतु इस समय एक महत्वपूर्ण धर्म भेद हुआ, जिसके कारण महायान शाखा चली। इसके मुख्य सिद्धांत थे रोमन नंबर 1, अवतारवाद की संकल्पना की गई और बुद्ध को ईश्वर का अवतार मान लिया गया। रोमन नंबर 2, हिंदुत्व के प्रभाव से बौद्ध धर्म में भी देवी देवताओं की कल्पना की जाने लगी। रोमन नंबर 3, बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा का प्रचलन हुआ। रोमन नंबर 4, महायान पंथ के अनुसार बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए भिक्षु बनना आवश्यक नहीं, गृहस्थ भी बुद्धत्व प्राप्त कर सकता है। पृष्ठ संख्या 104, कनिष्क ने बौद्ध धर्म स्वीकारा ही नहीं, वरन अशोक की भांति उसके प्रचार प्रसार में जुट गया, इसीलिए उसे द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। नंबर 2, आर्थिक स्थिति। विदेशी व्यापार को कुषाण राजाओं के समय में बड़ा प्रोत्साहन मिला। स्थल तथा जलमार्ग से विदेशों को भारतीय माल भेजा जाता था। रोम साम्राज्य के साथ व्यापार उन्नत दशा में था। भारत से बहुमूल्य पत्थर, मोती, रेशम, मलमल, इत्र, मसाले आदि देश के बाहर भेजे जाते थे। रोम की स्त्रियों को भारतीय मसलिन बहुत पसंद थी। इसका प्रचार इतना हुआ कि अंत में कानून द्वारा इसे बंद करना पड़ा। रोम से बहुत सा सोना भारत में आता था। यह व्यापार पश्चिमी तथा दक्षिणी भारत के बंदरगाहों द्वारा होता था। दक्षिण में कई स्थानों पर रोम सिक्के गड़े हुए मिले हैं। नंबर 3, मुद्रा। कनिष्क द्वारा चलाई गई मुद्राएं दो प्रकार की हैं। एक तो वे जिन पर यूनानी लेख हैं, दूसरे वे जिनकी लिखावट ईरानी भाषा में है। उसके तांबे के सिक्कों पर वो वेदी के पास यज्ञ करता हुआ दिखाई देता है। उसके सोने के सिक्के रोम के सिक्कों की भांति थे। इन पर एक ओर कनिष्क की प्रतिमा है, दूसरी ओर एक देवी की आकृति है। देवियां भारतीय और ईरानी हैं। नंबर 4, कला। कनिष्क के शासन में कला के दो रूप मिलते हैं, रोमन नंबर 1 गांधार कला तथा रोमन नंबर 2 मथुरा कला। रोमन नंबर 1 गांधार कला। भारत में विदेशी शासन की सबसे महत्वपूर्ण देन बौद्ध कला है, जो इस काल में उत्तरी पश्चिमी भारत में पहली शताब्दी में विकसित हुई। इस कला को गांधार प्रणाली के एक विशिष्ट नाम से पुकारते हैं, जो सांची भरहुत की प्राचीन भारतीय कला प्रणाली से भिन्न है। इस कला को इंडो ग्रीक कला भी कहते हैं, क्योंकि इस कला का विषय तो भारतीय है, किंतु शैली यूनानी और ग्रीक है। इस कला का सबसे महत्वपूर्ण अंग था महात्मा बुद्ध की मूर्ति का निर्माण। अतः इस प्रदेश में अनेक कलाकार उठ खड़े हुए, जिन पर इस विदेशी कला का प्रभाव पड़ा। यद्यपि इन कृतियों का रूप अवश्य विदेशी है, परंतु उनका विषय हमेशा भारतीय रहा है तथा बौद्ध कथानकों एवं पुराणों से लिया गया है। रोमन नंबर 2 मथुरा कला। मथुरा में ही सर्वप्रथम बुद्ध तथा बोधिसत्व की मानव मूर्तियों का निर्माण हुआ। इसके पूर्व महात्मा बुद्ध प्रतीकों के माध्यम से ही अंकित किए जाते थे। यहां जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां भी गढ़ी गईं। ये कहना कठिन है कि पहले बुद्ध की प्रतिमाएं बनी या जैन तीर्थंकरों की। मथुरा कला की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। रोमन नंबर 1 जैन तीर्थंकर बुद्ध बोधिसत्व तथा कुछ ब्राह्मण धर्म की देवी देवताओं की प्रतिमाओं का प्राथमिक अंकन है। रोमन नंबर 2 सफेद चित्तीदार लाल बलुए पत्थर का प्रयोग हुआ है। रोमन नंबर 3 आभूषणों का हल्कापन तथा मानव आकृतियों में सुझौलता है। रोमन नंबर 4 प्रतिमाओं के मुख पर भाव भंगिमाओं का प्रदर्शन है। लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न संख्या 1, कनिष्क के समय की गांधार कला के विषय में आप क्या जानते हैं? गांधार कला शैली की प्रमुख विशेषताएं लिखिए, अथवा गांधार कला शैली का जन्म किस विदेशी कला के प्रभाव से हुआ? 2003 KG, KK, 2005 IV। उत्तर, कनिष्क के समय में गांधार कला की अभूतपूर्व उन्नति हुई थी। ये कला यूनानी और भारतीय कला का समन्वित रूप थी, इसीलिए इसे इंडो ग्रीक कला भी कहा जाता है। इस कला का मुख्य केंद्र गांधार प्रदेश अर्थात अफगानिस्तान था। इस कला के अंतर्गत महात्मा बुद्ध की बोधिसत्व मूर्तियों का निर्माण हुआ था। इस कला की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित थी। नंबर 1, इसकी विषय वस्तु भारतीय और शैली यूनानी थी। नंबर 2, इस कला पर आधारित कलाकृतियों में महात्मा बुद्ध का प्रभाव मंडल बनाया गया था। नंबर 3, मूर्तियों के शरीर के अंग प्रत्यंग के प्रदर्शन पर विशेष ध्यान दिया गया था। नंबर 4, कलाकृतियों की पृष्ठभूमि का अलंकरण काल्पनिकता पर आधारित था। प्रश्न संख्या 2, कनिष्क के धार्मिक कार्यों पर प्रकाश डालिए। उत्तर, कनिष्क के धार्मिक कार्य। रोमन नंबर 1, कनिष्क किसी एक धर्म को मानने वाला नहीं था। वो शिव तथा सूर्य का उपासक था। वो ईरानी यूनानी देवी देवताओं में भी श्रद्धा रखता था। कालांतर में वो भगवान बुद्ध का परम भक्त बन गया। पृष्ठ संख्या 105, रोमन नंबर 2, कनिष्क धर्म सहिष्णु से सम्राट था। वो दूसरे धर्मों का सम्मान करता था। रोमन नंबर 3, कनिष्क ने बौद्ध धर्म के लिए चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया था। इस धर्म सभा से बौद्ध धर्म का उत्थान हुआ। रोमन नंबर 4, कनिष्क ने बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय के उत्थान में गहरी रुचि ली थी।
रोमन नंबर 5, कनिष्क ने बौद्ध धर्म की प्रगति के लिए बौद्ध मठ, विहार, स्तूप और चैत्य आदि बनवाए। रोमन नंबर 6, कनिष्क ने बौद्ध धर्म की लोकप्रियता बढ़ाने के लिए धर्म प्रचारकों को मध्य एशिया, जापान, चीन, तिब्बत आदि में भेजा। प्रश्न संख्या 3, मथुरा कला के विषय में तुम क्या जानते हो? उत्तर, मथुरा कला भारतीय कलाकारों द्वारा विकसित की गई थी। इस कला की मूर्तियां लाल रंग के पत्थर से बनाई गई हैं। कनिष्क के समय में मथुरा कला में अधिकांशतः भगवान बुद्ध और बोधिसत्वों की मूर्तियां बनाई गई हैं। मथुरा कला में महात्मा बुद्ध के चारों ओर प्रभा मंडल बनाने का भी प्रचलन था। इस कला में इनका सिर मुंडित है। मूर्तियां ऊर्ध्व वस्त्र और अधोवस्त्र भी धारण किए हुए बनाई गई हैं। ये कला सामान्य जनजीवन से भी संबंधित है, इसीलिए इस कला के कलाकारों ने शक कुशाण राजाओं, राजकुमारों, नर्तकियों और प्रमुख पात्रों की मूर्तियां भी प्रचुर मात्रा में बनाई हैं। इस कला की कनिष्क की लगभग 5 × 1/2 फीट ऊंची एक बड़ी आकर्षक प्रतिमा मथुरा के मार नामक स्थान से प्राप्त हुई है। प्रश्न संख्या 4, अश्वघोष प्राचीन भारत के महान विद्वान तथा दार्शनिक थे, इस कथन की समीक्षा कीजिए। उत्तर, अश्वघोष प्राचीन भारत के महान विद्वान एवं दार्शनिक थे। ये पाटलिपुत्र के निवासी थे और कनिष्क उन्हें अपने दरबार में ले आया था। अश्वघोष बहुमुखी प्रतिभा के व्यक्ति थे। ये महान दार्शनिक कवि, नाटककार, गीतकार एवं भाषाविद थे। विंटरनिट्ज ने उनके बारे में लिखा है, वे कालिदास के सर्वाधिक महत्वपूर्ण पूर्वज तथा महाकाव्य, नाटक और गीतों के रचयिता थे। तिब्बती साक्ष्य से विदित होता है कि संगीत का भी उन्हें अच्छा ज्ञान था और रसत्वर नामक वाद्य यंत्र का उन्होंने आविष्कार किया था। उन्होंने बुद्धचरित, सूत्रालंकार, सौंदरानंद, सारित्पुत्र प्रकरण, महायान, श्रद्धोत्पात आदि प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना की। बुद्धचरित उनका महाकाव्य है। अश्वघोष भारत के प्रथम श्रेष्ठ कवि हैं। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए अथवा खारवेल के विषय में आप क्या जानते हैं? 2009 ME। उत्तर, नंबर 1, चरक। चरक को भी कनिष्क के काल का ही स्वीकार किया जाता है। चरक चिकित्सा शास्त्र के महान विद्वान थे। इन्होंने चरक संहिता नामक ग्रंथ की रचना की थी। चरक ने आयुर्वेद शास्त्र को अनेक नवीन खोजों से भर दिया था और अनेक असाध्य रोगों की औषधि खोज निकाली थी। उन्होंने अपने ज्ञान से मानव जाति को बहुत लाभान्वित किया। चरक राजाओं के राजा और विद्वानों के विद्वान थे। नंबर 2, नागार्जुन। नागार्जुन का जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वे अत्यधिक विद्वान और दर्शनाचार्य थे। आपकी रुचि बौद्ध धर्म के प्रति प्रारंभ से ही हो गई थी। बौद्ध धर्म के दार्शनिक स्वरूप का आपने गहन अध्ययन किया था। कुछ प्रबल मतों के आधार पर आपने एक नए दर्शन शून्यवाद का विकास किया था। यह शून्यवाद अनेक बौद्धों के द्वारा अपनाया गया था। कालांतर में यह बौद्ध धर्म का एक लोकप्रिय संप्रदाय बन गया था। नागार्जुन ने लगभग 20 ग्रंथों की रचना की थी, जिनमें माध्यमिका सूत्र का विशेष महत्व है। नंबर 3, पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग 185 ईसा पूर्व से 148 ईसा पूर्व द्वारा मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या कर शुंग वंश की सत्ता स्थापित की गई थी। पाणिनि तथा तारानाथ ने शुंगों को ब्राह्मण स्वीकार किया है। उसके शासनकाल की प्रथम महत्वपूर्ण घटना विदर्भ के साथ किया गया युद्ध था। उसने विदर्भ तथा यवनों को पराजित करने के पश्चात 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया था। 148 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग की मृत्यु हो गई थी। नंबर 4, खारवेल। ये चेदी वंश का क्षत्रिय राजा था, जिसके संबंध में हाथी गुम्फा अभिलेख से जानकारी प्राप्त होती है। हाथी गुम्फा अभिलेख के अनुसार वो कलिंग का प्रतापी शासक था। अपने शासन के प्रथम वर्ष में उसने अनेक निर्माण कार्य कराए। दूसरे वर्ष में सातवाहन राजा शातकर्णी को परास्त किया। चौथे वर्ष में राजा भोज पर विजय प्राप्त की और अपने शासन के 5वें वर्ष में एक नहर का विस्तार कराया। उसने मगध पर भी 2 बार आक्रमण किया, परंतु उसे सफलता प्राप्त नहीं हो सकी। पृष्ठ संख्या 106। प्रश्न संख्या 6, कुषाणकालीन साहित्य पर प्रकाश डालिए। 2009 IH। उत्तर, साहित्य। कनिष्क के राज परिवार में संस्कृत का बड़ा मान था। दार्शनिक कवि अश्वघोष ने बौद्ध विषयों पर अनेक काव्य तथा नाटक लिखे, जो शुद्ध तथा सुंदर संस्कृत में थे। उसके ग्रंथों में बुद्धचरित, सौंदरनंद, सारिपुत्र प्रकरण, वज्रशुचि मुख्य हैं। नागार्जुन महायान का व्याख्याता था, जिसने प्रज्ञापारमिता सूत्र, माध्यमिक कारिका और सुहुल्लेखा नामक ग्रंथों की रचना की थी। आयुर्वेद के आचार्य चरक कनिष्क के दरबार में रहते थे। इसी समय दिव्यावदान की रचना हुई। इसमें बौद्ध गल्प तथा कथानक दिए हुए हैं। इसी समय ललित विस्तार की भी रचना हुई, जिसमें महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला गया है। अतिलघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न संख्या 1, शुंग वंश के 2 शासकों के नाम लिखिए। उत्तर, नंबर 1, पुष्यमित्र और नंबर 2, अग्निमित्र। प्रश्न संख्या 2, पुष्यमित्र की 2 राजनीतिक सफलताएं बताइए। उत्तर, नंबर 1, यवनों को परास्त किया। नंबर 2, विदर्भ राज के विरुद्ध सफलता प्राप्त की। प्रश्न संख्या 3, मालविकाग्निमित्रम का रचनाकार कौन था? उत्तर, कालिदास। प्रश्न संख्या 4, शुंग राजा किस धर्म के अनुयायी थे? उत्तर, ब्राह्मण धर्म। प्रश्न संख्या 5, चतुर्थ बौद्ध संगीति समिति कहाँ आयोजित की गई, उसकी अध्यक्षता किसने की? उत्तर, वसुमित्र की अध्यक्षता में चतुर्थ बौद्ध संगीति समिति कश्मीर के कुर्नल वन विहार में संपन्न हुई। प्रश्न संख्या 6,
शुंग काल के दो यवन आक्रमणकारियों के नाम लिखिए। उत्तर, डिमेट्रियस तथा मिनांडर। प्रश्न संख्या 7, कुशाणकालीन दो ग्रंथों तथा उनके रचनाकारों के नाम लिखिए। उत्तर, क बुद्धचरित, अश्वघोष द्वारा लिखित, ख चरक संहिता, चरक। प्रश्न संख्या 8, मथुरा कला की एक विशेषता बताइए। उत्तर, मथुरा कला में अलंकार युक्त पक्षियों की मूर्तियां वैदिक स्तंभों पर उत्कीर्ण है। प्रश्न संख्या 9, शक संवत का प्रारंभ कब हुआ? उत्तर 78 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 10, पुष्यमित्र शुंग ने कब और किस शासक की हत्या करके पाटलिपुत्र की गद्दी पर अधिकार किया? उत्तर, उसने 184 ईसा पूर्व में मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करके पाटलिपुत्र की गद्दी पर अधिकार किया था। प्रश्न संख्या 11, सातवाहन वंश के दो प्रसिद्ध शासकों के नाम लिखिए। उत्तर, नंबर 1 गौतमी पुत्र शातकर्णी, नंबर 2 यज्ञश्री शातकर्णी। प्रश्न संख्या 12, सातवाहन नरेश किस धर्म के अनुयायी थे? उत्तर, ब्राह्मण धर्म के। पृष्ठ संख्या 107। प्रश्न संख्या 13, सातवाहन नरेश गौतमी पुत्र शातकर्णी कब गद्दी पर बैठा? उत्तर, वो 106 ईस्वी में सातवाहन राज्य की गद्दी पर बैठा। प्रश्न संख्या 14, कनिष्क ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जो कार्य किए उनमें से किन्हीं दो का उल्लेख कीजिए? उत्तर, नंबर 1, उसने विदेशों में धर्म के प्रचार के लिए प्रचारक भेजे। नंबर 2, चौथी बौद्ध सभा का आयोजन किया जिसमें बौद्ध धर्म के ग्रंथों पर विस्तृत टीकाएं लिखी गईं। प्रश्न संख्या 15, कनिष्क के दो समकालीन विद्वानों के नाम लिखिए। उत्तर, नंबर 1 अश्वघोष एवं नंबर 2 वसुमित्र। प्रश्न संख्या 16, गांधार कला की कोई एक विशेषता लिखिए। उत्तर, गांधार कला मूर्तिकला की एक शैली थी जिसमें यूनानी एवं भारतीय शैलियों का मिश्रण था। प्रश्न संख्या 17, कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था? उत्तर, कनिष्क के राज्यारोहण की तिथि विवादग्रस्त है परंतु अधिकांश विद्वान ये मानते हैं कि उसका राज्यारोहण 78 ईसा में हुआ था। प्रश्न संख्या 18, कनिष्क ने कौन कौन से चार विदेशी राज्यों को जीता था? उत्तर, रोमन नंबर 1 काशगर, रोमन नंबर 2 खोतान, रोमन नंबर 3 यारकंद, रोमन नंबर 4 बैक्ट्रिया। प्रश्न संख्या 19, कनिष्क के राजदरबार के दो विद्वानों के नाम लिखिए। उत्तर, रोमन नंबर 1 अश्वघोष, रोमन नंबर 2 नागार्जुन। प्रश्न संख्या 20, कनिष्क के अतिरिक्त कुशाण वंश के दो राजाओं के नाम लिखिए। उत्तर, रोमन नंबर 1 विम कडफाइसिस तथा रोमन नंबर 2 वासिष्क। प्रश्न संख्या 21, कुशाण वंश का प्रथम शासक कौन था? उत्तर, कुजुल कडफिसस 2003 KF। बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न संख्या 1, पुष्यमित्र शुंग जिस धर्म का अनुयायी था वो धर्म है? विकल्प इस प्रकार है, क बौद्ध धर्म, ख ब्राह्मण धर्म, ग जैन धर्म, घ शैव धर्म। सही उत्तर है ख ब्राह्मण धर्म। प्रश्न संख्या 2, चौथा बौद्ध धर्म सम्मेलन आयोजित हुआ? विकल्प इस प्रकार है, क अशोक के समय, ख अजातशत्रु के समय, ग कनिष्क के समय, घ पुष्यमित्र शुंग के समय। सही उत्तर है ग कनिष्क के समय। प्रश्न संख्या 3, चौथे बौद्ध सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? उसका नाम था? विकल्प इस प्रकार है, क अश्वघोष, ख वसुमित्र, ग नागार्जुन, घ चरक। सही उत्तर है ख वसुमित्र। प्रश्न संख्या 4, शुंग वंश की स्थापना हुई थी? विकल्प इस प्रकार है, क 184 ईसा पूर्व, ख 148 ईसा पूर्व, ग 261 ईसा पूर्व, घ 273 ईसा पूर्व। सही उत्तर है क 184 ईसा पूर्व। पृष्ठ संख्या 108। प्रश्न संख्या 5, कनिष्क की सिंहासन आरोहण तिथि है? विकल्प इस प्रकार है, क 78 ईसा पूर्व, ख 148 ईसा पूर्व, ग 72 ईसा पूर्व, घ 101 ईसा पूर्व। सही उत्तर है क 78 ईसा पूर्व 2004 ME। प्रश्न संख्या 6, कनिष्क की मृत्यु हुई थी? विकल्प इस प्रकार है, क 78 ईसा पूर्व, ख 72 ईसा पूर्व, ग 101 ईसा पूर्व, घ 58 ईसा पूर्व। सही उत्तर है ग 101 ईसा पूर्व। प्रश्न संख्या 7, पुष्यमित्र शुंग की मृत्यु हुई थी? विकल्प इस प्रकार है, क 148 ईसा पूर्व, ख 184 ईसा पूर्व, ग 78 ईसा पूर्व, घ 101 ईसा पूर्व। सही उत्तर है क 148 ईसा पूर्व। प्रश्न संख्या 8, शक संवत कब प्रारंभ हुआ? 2004 MF, 2005 IZ, IV। विकल्प इस प्रकार है, क 58 ईसा पूर्व, ख 78 ईसा पूर्व, ग 119 ईसा पूर्व, घ 202 ईसा पूर्व। सही उत्तर है ख 78 ईसा पूर्व। पृष्ठ संख्या 109।